सुप्रभात। सुप्रभात से पता चल गया होगा ना, आज हमारी हिंदी की कक्षा है। आप सब तैयार हैं ना हिंदी की कक्षा के लिए? तो शुरू करते हैं हमारी हिंदी की कक्षा। हम सर्वप्रथम स्वर अ से अ हमारी किताब में से पढ़ेंगे, फिर हम व्यंजन की पहली दो लाइन क से य भी पढ़ेंगे, उसके बाद ऐसे ऐनक भी लिखेंगे और अंत में हम कविता दोहराएंगे छोटी सी मुन्नी। तो आइए सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं स्वर से, मेरे पीछे पीछे दोहराइए। अ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अह। अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। क ख ग घ ण, ये व्यंजन की पहली लाइन है। अब हम व्यंजन की दूसरी लाइन पढ़ेंगे। च छ ज झ य। अब पेज नंबर 22 खोलेंगे। क क से कमल, क से कलम, क से कछुआ, क से कबूतर, क से कटोरी, क से कलश, ख ख से खटमल, ख से खटखटाना, ख से खटिया, ख से खरगोश, ख से खरबूजा। पेज को पलटें। ग से गज, ग से गन्ना, ग से गाय, ग से गधा, ग से गाजर, ग से गमला, घ घ से घटा, घ से घबराना, घ से घड़ा, घ से घर, घ से घड़ियाल, घ से घड़ी, ड खाली। अब आप पेज को पलटेंगे। अब हम व्यंजन की दूसरी लाइन का पहला अक्षर पढ़ेंगे। च च से चाचा, च से चाची, च से चम्मच, च से चटनी, च से चटाई, चटाई पे बैठते हैं, च से चाबी, च से चप्पल, छ छ से छतरी, छ से छड़ी, छ से छत, छ से छिपकली, छ से छलनी, ज से जग, ज से जामुन, ज से जिराफ, ज से जहाज, ज से जंगल, ज से जल, जल मतलब पानी, झ झ से झंडा, झ से झरना, झरने में से पानी बहता है, झ से झूला, झ से झाड़ू, य खाली। अब हम ऐसे आयनक पढ़ेंगे। आयनक मतलब चश्मा। हम आयनक से देखते हैं,
आपके घर में भी मम्मी पापा या दादाजी ऐनक पहनते होंगे ना। ऐसे ऐनक लिखना बहुत आसान है। अब हम इसको लिखना सीखेंगे। आप सबने ऐसे एड़ी लिखना सीखा ना, आप सबको आता है ना ऐसे एड़ी लिखना। बस ऐसे एड़ी के ऊपर एक मात्रा लगानी है आपको, जैसे आपने उसे उपली में लगाई थी उसी तरह से। तो आइए अब हम सीखते हैं ऐसे ऐनक लिखना। हम सबसे पहले यहाँ पे ऐसे एड़ी बनाएंगे। ये हमारी ऐसे एड़ी जो आपने पिछली हिंदी की क्लास में सीखी थी वह है। ऐसे एड़ी आ गई आपको बनानी, तो मैम ने यहाँ ऐसे एड़ी लिख दी। अब ऐसे एड़ी के जो ये हम बाहर निकाला हुआ जो ये जगह है जहाँ से घुमावदार जगह है, इसके ऊपर नीचे से एक स्लांटिंग लाइन बनाएंगे, गोल करेंगे और ऐसी मात्रा बनाएंगे जैसे ओ से ओखली की आपने सीखी थी। तो क्या बन गया, ऐसे ऐनक। फिर से देखें, पहले हम ऐसे एड़ी बनाएंगे, ये हमारा ऐसे एड़ी बना। अब ये जो हमने घुमाया है इसको, जो ये उल्टा सी बना के यहाँ टच किया है इस जगह को, यहाँ से नीचे से ऊपर स्लांटिंग लाइन बनेगी और गोल बनेगी मात्रा और बन गया ऐसे ऐनक। फिर से देखें कितना आसान है, ऐसे एड़ी और यहाँ से इसको ऊपर स्लांटिंग लाइन और एक गोला ऐसे ऐनक। इस तरह से आप अपनी कॉपी के अंदर स्कूल की उसमें ऐसे ऐनक को आप लिखेंगे, है ना कितना आसान। ऐसे एड़ी और पीछे से इसकी मात्रा बनेगी, ये देखिए पहले ऐसे एड़ी बना, फिर जो उसको पोर्शन को घुमाया आपने उल्टा सी करके, उसके ऊपर नीचे से ऐसे गोल घुमा के और मात्रा बनाएंगे तो हमारा ऐसे ऐनक बन जाएगा। अब हम नोटबुक में लिखेंगे, ऐसे ऐनक। अब हम ऐसे ऐनक लिखना सीखेंगे। आप सबने ऐसे एड़ी सीखा ना, बहुत आसान है ऐसे ऐनक लिखना क्योंकि ऐसे एड़ी से ही ऐसे ऐनक बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे एड़ी बनाएंगे, ये हमारा ऐसे एड़ी बन गया है, बन गया। अब जो ऐसे एड़ी का ये जो घुमाव वाला जो जगह है, जो उल्टा सी जैसा घुमा हुआ लग रहा है, यहाँ से नीचे से ऊपर इस तरह से स्लांटिंग लाइन बनाएंगे और इसको मोड़ के इस तरह से इसकी मात्रा बनाएंगे जैसे आपने ओ से ओखली की मात्रा बनाई थी, इसी तरीके से ये ऐसे ऐनक बनेगा। फिर से देखो, ये हमारा ऐसे एड़ी है और यहाँ से हमें नीचे से ऊपर स्लांटिंग लाइन बनानी है, गोल घुमाना है और इस तरह से ये मात्रा बनानी है, है ना आसान, क्योंकि आपने ए से एड़ी भी सीख लिया है, ओ से ओखली की मात्रा भी आपको बनानी आती है। इस तरह से आप यहाँ पे ये ऐसे ऐनक बनाएंगे और आप जब ऐसे ऐनक बनाएंगे बच्चों, तो आपको केवल इसमें 7 लाइंस लिखनी है ऐसे ऐनक की। कितनी लाइन लिखेंगे, 7 लाइंस। फिर से देखेंगे, ऐसे एड़ी, ये दो ब्लू लाइन से बिल्कुल बाहर नहीं आपका अक्षर बनना चाहिए, बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। जब बाहर नहीं आएगा तो ये आपका कार्य बहुत ही नीट एंड क्लीन लगेगा। फिर से देखिए, ये बना हमारा ऐसे एड़ी और यहाँ से ऊपर जाके स्लांटिंग लाइन और गोल ऐसे ऐनक, दादाजी की ऐनक। इस तरह से आप ऐसे ऐनक बनाएंगे। डॉट से एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, जगह छोड़ के गोल घुमाना है, यहाँ टच करना है,
स्लीपिंग लाइन, इसके ऊपर से नीचे से ऐसे स्लांटिंग लाइन, गोला मात्रा बनेगी। आई से आइनक, इस तरह से आपको पूरे पेज में केवल 7 लाइंस आपको लिख के मैम को भेजनी है। कितना आसान है ये लिखना, इस तरह से आपको लिखना है आई से आइनक। इस तरह से आपको ऐसे आइनक की ये 7 लाइंस करनी है। अब हम कविता पढ़ेंगे। सब मेरे पीछे दौड़ाना। छोटी सी मुन्नी, छोटी सी मुन्नी, लाल गुलाबी चुन्नी, तिल्ले वाला सूट, काले काले बूट, एलकेजी में पढ़ती है, सबको टाटा करती है। एक बार फिर से हम ये कविता बोलेंगे। छोटी सी मुन्नी, लाल गुलाबी चुन्नी, तिल्ले वाला सूट, काले काले बूट, एलकेजी में पढ़ती है, सबको टाटा करती है।